अब ये बड़े लोगों का भरोसा कहाँ होता है कुनिका, देखा ना कैसे वो दुबई वाला क्लाइंट बिना बताए चला गया। Whatever, पर मेरा तो काम बिगड़ गया ना, ना वो डील हुई और ना मेरा वैलेंटाइन डे। He must be so upset with me और अब तक घर भी आ गया होगा। अखिलेश, देखो निका बेटिया, गुलू तो तुम्हारे साथ ही गया था ना, वो घर पे ना ही है। सीरियसली, वो मुझे रेस्टोरेंट में बुलाकर वैनिश कैसे हो सकता है, कहाँ गया वो? हाँ, रेस्टोरेंट में मैंने भी चेक किया था, अखिलेश वहाँ नहीं था। हो सकता है गुलू बेटा वहाँ पर थोड़ा लेट पहुँचा हो। आई थिंक तुम्हें रेस्टोरेंट कॉल करके देखना चाहिए। हाँ, ये सही कह रही है, फोन लगा बेटिया। या यू शुड। हेलो, होटल डाइन इन। हाँ, मैं अखिलेश पांडे के फियांसे बोल रही हूँ। व्हाट, क्या हुआ? अखिलेश ने रेस्टोरेंट में मारा मारी की और उसे पुलिस लेके चली गई। कहाँ? ओरी मोरी गंगा मैया। ए बारिक बेटा, जल्दी से गाड़ी निकाल, हम सब जाएंगे पुलिस स्टेशन। चलो जल्दी। जी मोटी बा। चलो जल्दी। ये तो मिस्ट्री के साथ था, अचानक पुलिस स्टेशन कैसे? हो क्या रहा है? कहीं हीरा भी अखिलेश के साथ? कहां फंस गया मैं? मिश्री, मापू, मिश्री, अखिलेश, अखिलेश अंकल थे ना तुम्हारे साथ, वो कहां है? अंकल, अब हमारी पापू आ गई है, वो आपको बचा लेंगे। मैडम अबू, इंस्पेक्टर साहब, अब जानते भी आपने किसे गिरफ्तार किया है। बहुत ही बड़े और शरीफ इंसान है ये, प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए। इनके बेल के चार्जेस जो भी होंगे मैं दे दूंगी। देखिए मैडम, अभी कोर्ट बंद हो चुका है, आप कल आइए बेल कराने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक डॉक्टर हूँ, इतना तो मैं भी जानती हूँ कि इतने छोटे से केस के लिए मुझे कोई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। बेल आप यहाँ पर भी दे सकते हो मुझे, आप प्लीज बेल दे दीजिए। बोला ना मैडम, आज कोर्ट बंद है और वैसे भी मुझे बहुत जरूरी पेपर वर्क करना है।